फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सुबह से काम ही कर रही थी, एक मिनट भी बैठने को नहीं मिला, क्योंकि गणेश चौथ आने वाला है। तो हमारे यहाँ गणेश चौथ का लड्डू जो होता है, तिल का लड्डू और रामदाने का लड्डू, तो समय देख के जैसे होता है कि सोमवार, मंगल और इतवार को तिल नहीं भुना जाता है, तो इसलिए दिन देख के लड्डू बना के रख लिया जाता है। तो मैं आज लड्डू बनाने का इंतजाम कर रही थी, और फिर मैंने लड्डू बनाने का इंतजाम किया और मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं, मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ, तो ये लड्डू मैं बहुत ही सफाई से बना रही हूँ, क्योंकि गणेश चौथ के दिन इस लड्डू का भोग मैं गणेश भगवान को चढ़ाऊँगी। तो मैंने कढ़ाई में तिल डालकर इसको भून रही हूँ, और मैं एक डोंगे में गुड़ को थोड़ा सा पानी डाल के मेल्ट कर लिया है। तो तिल को इतना भूनूंगी कि ये थोड़ा सा लाल टाइप का हो जाए, तो मैं उसको अच्छे से भून के इसका लड्डू बनाऊंगी। तो तिल तो मेरे भून गए हैं, और मैंने रामदाने को भी उसका लावा बना के रख लिया है। अब मैं गुड़ का पाक बनाऊंगी। तो जो मैंने गुड़ को मेल्ट करके रखा था, उसे मैं कढ़ाई में ही छन्नी से छान दिया है, और गुड़ को मैं जल्दी जल्दी मैं तेज़ आंच में ही पका लूँगी। अगर आप थोड़ा सा पानी डाल के गुड़ को मेल्ट करते हैं तो इसको इसका पाक बनाने में टाइम नहीं लगेगा, और जल्दी से पाक तैयार हो जाएगा। तो जब पाक तैयार हो जाएगा तो मैं थोड़ा थोड़ा सा गुड़ का ये पाक बन डालकर इसका लड्डू जल्दी जल्दी बना लूँगी। और लड्डू बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डायरेक्ट सेल्फ पर नहीं रखना है उस कटोरे को जिसमें मैं मिलाऊँगी। तो कोई कॉटन कपड़ा रख के और उसको कटोरे को रखिए, जिससे कि पाक ठंडा ना हो और जल्दी जल्दी आप लड्डू बना सकें। नहीं तो जैसे ठंडा होगा तो आपका पाक ठंडा हो जाएगा, तो आपका लड्डू नहीं तैयार होगा, अब वो बेकार हो जाएगा। तो चलिए मैं लड्डू जल्दी जल्दी बनाने के लिए रेडी कर लेती हूँ। दूर से बना तो पाक मेरे तैयार हो गए हैं, अब जल्दी जल्दी मैं इसका लड्डू बना लूँगी, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो लड्डू मेरे बन गए हैं, शाम हो गई है, मैं अब दिया जलाने जा रही हूँ। दिया जलाने के बाद मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी, थोड़ा नाश्ता बनाऊँगी सबके लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड दुकान से आते हैं तो उन्हें नाश्ता चाहिए होता है, क्योंकि आज वो टिफ़िन भी नहीं ले गए हैं, कह रहे हैं ठंड में खाना ले जाने पे ठंडा हो जाता है तो खाने का मन नहीं करता है। तो वो खाना खा के ही गए हैं, तो ना कुछ ले के नहीं गए हैं, तो वो भूख लगी होगी। तो मैं कुछ नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ, तो पहले दिया जला देती हूँ फिर नाश्ता बनाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं। तो शाम हो गई है, तो सबसे पहले मैं भगवान के मंदिर में दीपक जला देती हूँ। दीपक जलाने के बाद तब मैं कुछ नाश्ता की तैयारी करूँगी। तो नाश्ते की तैयारी मैंने कर ली है, नाश्ते में मैं बना रही हूँ वेज तंदूरी मोमो। तो उसका जो ग्रेवी है मैंने पहले से बना के रख लिया था, और मैं इसमें मोमोज डिप कर करके इसको हल्का सा शैलो फ्राई करूँगी। फिर उसके बाद ज़रा सा उसका ग्रेवी सूखेगा तो मैं इस पर जो ग्रिल्स है इस पर मैं रख के तंदूर का फ्लेवर दूँगी, जिसे गैस जला के मैं इसमें
बहुत ही टेस्टी लगता है, तब एकदम वेज तंदूरी मोमो को जो मिलता है मार्केट में वही टेस्ट आ जाता है। तो मैं इसका टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे लगते हैं। तो मेरे मोमोज बनके रेडी हो गए, मैंने तंदूरी मोमोज बनाए थे, तो चलिए मैं टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत टेस्टी है ये। जैसे हमारे यहाँ नौका विहार है तो वहाँ पे तंदूरी मोमो बहुत ही फेमस है, वहाँ पे बहुत ही हर ठेले पे देखेंगे तो ये मोमोज आपको खाने को मिल जाएंगे। तो ये तंदूरी मोमोज खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, तो मैंने घर में ही बनाए लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम टेस्ट वही आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरे मेरी वीडियो या मेरे ब्लॉग अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।